अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हमेशा विवादों में रहने वाले मेरठ के अमित जानी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा का कारण बना है उनका सीमा हैदर को लेकर फिल्म बनाने की घोषणा और इसके बाद उन्हें कथित रूप से मिली धमकी। अमित जानी ने दावा किया है कि सीमा हैदर को लेकर फिल्म बनाने की घोषणा के बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कभी मोनू मानेसर के नाम से तो कभी किसी और के नाम से। हालांकि इन धमकियों के पीछे इन्होंने राजनीतिक विपक्ष का हाथ बताया। धमकियां मिलने की शिकायत पुलिस प्रशासन से करने के बाद मीडिया से अमित जानी ने यह कहा। राजस्थान में पिछले वर्ष जो कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई थी उस पर जानी फायरफॉक्स मूवी बना रहा है, ए टेलर मर्डर स्टोरी। तो टेलर मर्डर स्टोरी की जब हमने स्क्रिप्ट लिखी, हमने उसके डायलॉग्स लिखे और हम शूट पे जा रहे हैं तो हमारी कास्टिंग चल रही है। तो कास्टिंग के समय हमें कई सौ करेक्टर्स को जो है कास्ट करना है, उनके साथ एग्रीमेंट करना है। तो हमने जैसे ही कहा कि हम इसमें एक किरदार सीमा हैदर को भी लेके करेंगे और हमारी मूवी में एक रो एजेंट का रोल है, वो सीमा हैदर से कराएंगे और हम उससे जाके मिले। हमने उसे ऑफर दिया और ये बात जब लोगों को पता चली आप लोगों के टीवी के माध्यम से, तो कुछ लोगों ने जो है धमकी देनी शुरू कर दी है। पहले एक वीडियो जारी होता ठाकुर अभिषेक सोम नाम के एक समाजवादी पार्टी के नेता का, वो कहते हैं कि अगर ये फिल्म शूट हुई और सीमा हैदर ने सेट पे कदम रखा तो जैसे पद्मावत के समय पे संजय लीला भंसाली के साथ बदतमीजी हुई, सेट पे तोड़फोड़ हुई, और जिस प्रकार से वो जो उसकी दीपिका पादुकोण के साथ भी बदतमीजी हुई, ऐसे ही हम सीमा हैदर के साथ भी और अमित जानी और जानी फायरफॉक्स की टीम होगी, प्रोडक्शन टीम, सबके साथ बदतमीजी करेंगे। मैंने उसकी तहरीर लिखी और मैंने उसको दे दिया, ट्वीट कर दिया ADG जोन साहब को और SSP साहब को। उसके बाद में एक फ़ोन फिर आया, वो फ़ोन आ रहा था व्हाट्सअप कॉल, तो मैं उठाया नहीं व्हाट्सअप कॉल, तो उसने फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि मैं मोनू मानेसर बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हारा नाम पुलिस को दे दिया, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी अपने मुकदमे में जो उसका चल रहा है कोई हरियाणा में उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने मेरी फिल्म के संबंध में एक ऑडियो और रिकॉर्ड करके भेजा और उसने कहा कि अमित जानी अगर वो -- मतलब वो गाली दी उसने बड़ी भद्दी, में नहीं ले सकता, अगर वो मंच उस पर आई तुम्हारे स्टेज पर आई तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और क्या कर दूंगा वो सब आपने सुना ही होगा, मैंने आपको भेज दिया। तो इस तरह की दे रहे हैं आपको इस तरीके, ये वो लोग हैं जो बार बार कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, एक विचारधारा इस देश में चल रही है, वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी के लिए कर रहा हूँ सब, ये बीजेपी के नाम पर हो रहा है सब, ये भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रहा है। ये कौन लोग हैं? ये इंडिया वाले हैं, INDIA वाले जो डॉट 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 करके पांच डॉट के साथ इंडिया है, ये उस महा ठगबंधन वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं ये सब लोग बीजेपी विरोधी हैं, सरकार विरोधी हैं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम सच्चाई दिखाएंगे, जैसे राजस्थान में चुनाव आने वाला है जनवरी में और हमारी मूवी आ रही है नवंबर में, तो इनको पता है कि राजस्थान एक बार फिर से याद करेगा कन्हैयालाल साहू की हत्या और कांग्रेस की लचरता, सरकार की उसमें बेरुखी और उसका जो है जो एटीट्यूड था उस समय, तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा। बदलाव के विरोधी लोग हैं, संविधान की बात करने वाले लोग हैं। क्या करेंगे अभी? मुझे सिर्फ इतना कहना है इन लोगों से, मैंने जो कानूनी प्रक्रिया है वो मेरा लीगल पैनल करेगा, मेरी एप्लीकेशन में दे दी है, मोनू मानेसर वाली एप्लीकेशन भी मैं DGP साहब को भी मेल करूँगा और SP साहब को भी मेल करूँगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है इन लोगों से, सरकार से कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं हूँ, ना मुझे सुरक्षा की नीड है, मैं अपनी सुरक्षा जाको राके से मार सके ना, मैं बहुत निडर व्यक्ति हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है लोगों से, बाज आ जाओ, तुम्हारे ये प्रोपेगेंडा करने से और ये धमकाने से कोई डरता नहीं है। कोई मोनू मानेसर हो, कोई अभिषेक सोम हो या कोई अखिलेश यादव हो, ये धमकियां किसी और को दो, हम इन धमकियों से नहीं डरते। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूले। नमस्कार। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम PET CT उचित शुल्क पर उपलब्ध है।